अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्यों किया आपने सब? क्यों किया? ना प्यार का, ना विश्वास का, ना पिता का। अरे कुछ तो भ्रम रहने देते आप। क्या ना आप शनाब बके जा रहे हो। हाँ छोड़ो छोड़ो आप। यारो अपना इस घर को, एक खूबसूरत रिश्ता को तबाह कर देगा। और हम वादा किए कि इस घर को और इस रिश्ता को टूटने नहीं देंगे, जोड़ के रखेंगे हर हाल में। आप शांत हो जाइए ना, काहे इतना गुस्सा कर रहे बड़का बाबू पे आप? तुम जानती हो कभी स्कूल में कॉलेज में हमने इनका नाम फादर्स नेम बहुत गर्व से लिखते थे। फादर्स नेम देव नारायण चंदेल। अरे इनके नाम से इलाके में लोग जानते थे, पहचानते थे, अरे सलाम ठोकते थे हमको। लेकिन कभी सोचा नहीं था यार कि यही नाम लेने के लिए हमारे जबान पर छाले पड़ जाएंगे। सोचा नहीं था। जानती हो क्यों? क्योंकि इस नाम ने ना ये हमारी मां समान बुआ के सुआ के सूरज पर हमेशा हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया इसने। अरे वाह, यहाँ तो देव की पहले से ही लंका में आग लगी है। मैंने खामखा ही इस घर को आग लगा दिया। पता नहीं क्या चल रहा है पर जो भी हो दिल को सुकून दे रहा है। हमारे मन में ना आपकी एक मूरत है, साफ सुथरी और अनुशासन प्रिय, पर नैतिक और सच्ची। पर आज वो छवि इन कांच के टुकड़ों की तरह चूर चूर हो गई देवता। अरे कभी कभी तो हमको लगता है बाबा के हम पैदा ही क्यों हुए, और अगर हुए ना तो आपके खानदान में क्यों। इससे तो बेहतर होता कि हम इस दुनिया ही में ना आते। ऐसा मत कहिए, इस दुनिया में हम भी तो है आपके लिए, हमारा प्यार भी तो है। आप हमारे लिए ना जी सके लेकिन हम तो जीते हैं ना आपके लिए। भूल गए आप? भूल गए? काय कर रहे हैं आप अपने लिए, इस परिवार के लिए आप मंगल काय मना रहे हैं? काय मना रहे? परिवार बिखर रहा है? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कि हमको पता है कि भोले बाबा तुम हमारे साथ हो ना? और ये हमारी अरज है, नहीं तो नहीं। ओम त्र्यंबकम्।
अजामहे सुगंधित पुष्प। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्प। हमारे साथ ही हो ना? हाँ? हमको पता है तुम हमारे साथ हो। वचन देते हैं बोले बाबा, हम इस परिवार को ना टूटने देंगे और अब बिखरने नहीं देंगे। और हमको तुमसे भी वचन चाहिए कि तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे और तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहेगा। दे रहे ना वचन? जल्दी चलिए भाभी, राजीव का और बड़े पापा में बहुत बहस हो रही है, बहस रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बोले बाबा, तुम्हारी कृपा है, बनाए रखना अपनी कृपा। ये कब फालतू का इल्जाम लगा रहे थे बाबा पर, जिसका जो मना रहा है बोलते जा रहा है, और बेचारे थे पापा चुपचाप सब बर्दाश्त कर रहे हैं। एक तो देव बाबा ने आप सबको पाल पोस कर बड़ा किया, इतना बड़ा आदमी बनाया, उसके ऊपर इतना शिकायत, अब बहुत दुख का बात है। हंसिनी, जो बात समझ में नहीं आए उस पे बोलने की कोई जरूरत नहीं, बेहतर है तुम चुप रहो। समझ में आया तुम्हें? बंद करो ये बकवास। नहीं बोल रही है छोटी बहू, जिसके मन में जो आता है बके जाता है इस घर में, कई दिनों से देख रहे हैं हम। हमारी बोली अगर बड़ बोली लग रही है ना, सच की बोली भी सुन लीजिए बाबू, ताकत है सुनिए। भानु चाचा, तो हुआ ये कि प्रभाबुआ और शंकर प्रजापति का ब्याह होने जा रहा था, और उस वक्त किसी देव नारायण चंदेल ने कुछ ऐसा किया कि दूल्हा तड़पने लगा, दूल्हे को तड़पता देख दुल्हन बिलखने लगी। अपनी अपनी जगह दोनों एक एक सांस के लिए तरस रहे थे, और आखिरकार शंकर प्रजापति ने दम तोड़ दिया अपना। और प्रभा चंदेल जी, हमारी बुआ प्रभा चंदेल आज भी अपनी सांसों के लिए और शंकर के लिए तड़प रही है, छटपटा रही है। ये मरने नहीं देंगे हम। राजीव जो कह रहा है ना, वो 16 आने सच है। अब देखिए तुलसी मैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।